औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के होटल कारोबारियों से फिरौती मांगने के मामले में दिल्ली से धरे दो आरोपियों को कोर्ट से 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब पुलिस रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से फिरौती मांगने और फायरिंग के पूरे मामले का सच जानेगी। हालांकि शुरुआती पूछताछ में दोनों ही आरोपी फिरौती मांगने या फायरिंग के मामले से अभिज्ञ बने हुए हैं। दोनों सिर्फ सिम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की जांच में जुटी SIT को अब तक की जांच में जो साक्ष्य मिले हैं उनसे इन दोनों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों आरोपियों को जल्द दिल्ली ले जाया जाएगा ताकि इस मामले की तह तक जाकर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। DSP बद्दी प्रियंक गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि फिरौती मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट से 7 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। रिमांड के दौरान पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से छानबीन करेगी और इस मामले में शामिल सभी संदिग्धों को पर्दाफाश करेगी। एनस्टार न्यूज के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। और हमारे यहाँ जो फर्स्ट वीक में जो है कि अमजी रेजेंसी के बाहर होटल के बाहर कुछ फायरिंग इंसिडेंट होने की कंप्लेंट आई थी, तो उस संदर्भ में जो है एक FIR बद्दी थाने दर्ज की गई थी। उसी संदर्भ में जो है जो दो व्यक्ति हैं उन्हें जो है बद्दी पुलिस द्वारा दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। इन व्यक्ति को जो है वहाँ से जो लेकर यहाँ पे गिरफ्तारी डालकर जो है 7 दिन का जो है पुलिस रिमांड लिया गया है और इनसे जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है ताकि जो इनका रोल है जो पूरा रोल है वो क्या है और जो व्यक्ति है बाकी जो जिन्होंने इस जो साजिश में शामिल है उनको भी आगे जो गिरफ्तार किया जाए।